रोल। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। मैं विकास, एक बार फिर से चुनावी चर्चा करते हैं। हम रोहनिया विधानसभा के कोटवा गांव में हैं। 2022 का चुनाव आने वाला है। विधानसभा के चुनाव में सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं और अब हम जानेंगे लोगों से, हम जनता के बीच पहुंचेंगे और जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे कि जो सरकार है उसके कामकाज से कितने खुश है जनता। भैया चाचा, क्या नाम है आपका? सीताराम। सीताराम जी, ये बताइए कि योगी सरकार से कितना खुश है? एकदम खिलाफ है। अच्छा, क्यों? ऐसा लग रहा है हर एक चीज़ की महंगाई है, कौनो सामान मिल नहीं पावत है। अच्छा अच्छा, भुखमरी आ गई एकदम, अब क्या करेंगे हम खुद आगे। अरे और क्या दिक्कतें हैं आपको सरकार से? दिक्कत है, हर एक चीज़ में दिक्कत है, क्या करेंगे हम इसके आगे। काम धंधा कौनो नहीं मिलत है। तेल हो गया कम 100-150 रुपया, 200 रुपया किलो तेल हो गया। अब कितना कमाएंगे, कितना खाएंगे अब? हाँ, चाटे पटवा क्या करेंगे अब? अच्छा चाचा, ये बताइए, महामारी अभी आई थी, इतनी बड़ी महामारी, तो महामारी में क्या लगा कि सरकार कितना आप लोग को दे पाई? का मिला बा? कुछ नहीं मिला है। अच्छा, राशन वगैरह सरकार दे रही थी आप लोगों को? राशन यह करीब अगले महीना से यह मिला था बस। अच्छा, अब एक आध दो महीना मिले ना, वो बंद हो जाता, अब क्या करेंगे? अच्छा, रोजगार के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि रोजगार सरकार कहाँ तक दे पाई लोगों को? कहीं से नहीं मिल पाई। अच्छा, कहीं से रोजगार नहीं मिला है। अच्छा दादा, ये बताइए कि 2022 में फिर से विधानसभा चुनाव आने जा रहा है, है ना, क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? मुख्यमंत्री अखिलेश। क्यों? कहा है कि उनके उन हर एक चीज़ का तो सुविधा देता है एकदम। अच्छा, तो दोस्तों इस बार जो है, अभी भी कुछ लोगों का मानना है कि जो सपा है वो कहीं ना कहीं 2022 का जो समीकरण है उसमें हावी नजर आ रही है। अभी और भी लोगों से बात करते हैं। चाचा, अरे नाम बतावा अपन पहले, क्या नाम है तुम्हार? बच्चेलाल। बच्चेलाल जी, बताइए कि योगी सरकार से खुश हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है। अच्छा। हाँ, बहुत भुखमरी आ गई है। और क्या समस्या है? और समस्या तो बहुत है। जैसे क्या दिक्कत हो रही है आपको बताएं? दिक्कत तो ये रही है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, कारोबार नहीं चल रहा है, पैसा हो आ नहीं रहा है, तो बाल बच्चे खाएंगे क्या, हम लोग खाएंगे क्या? क्या ये 10 किलो गेहूँ 5 किलो चावल दे रहा है, इसी से खा जी लेंगे? अच्छा दादा, ये बताइए लॉकडाउन में घर कैसे चला आपका? लॉकडाउन में तो जब जौन स्थिति बीतल हो तो हम आना जाना थी। सरकार तो वहाँ से बैठ के योगी और मोदी दोनों जने बस ये लगा दो वो लगा दो, जनता मरो मनोबिलाओ, जनता से कहा जरूरी। अच्छा दादा, मोदी सरकार से कितना खुश हैं आप? हमने क्या उसे ना मोदिया से ना योगिया से क्या उसे ना ही खुश सही। अच्छा, 2022 का चुनाव आ रहा है, क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री का चेहरा अब चाहे अखिलेश जी हो चाहे और क्यों हो, योगी जी नहीं आएंगे क्या इस बार? योगी जी को हम लोग नहीं चाहते हैं। अच्छा, आप लोग नहीं चाहते कि योगी जी इस बार आवे? दोस्तों समीकरण बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, ठीक है, सरकार सरगर्मियां जो हैं वो तेज हो गई हैं। भैया क्या नाम है आपका? रिंकू। रिंकू जी, आप युवा हैं, क्या करते हैं? क्या चीज करते क्या हैं आप? हम तो साड़ी बिनते हैं। अच्छा, साड़ी बिनते हैं। हाँ। ये बताइए कि योगी सरकार से कितना खुश हैं? हम 1% खुश नहीं हैं उनसे। अच्छा, इसलिए कि उनके राज में जैसा हो गया किसी के राज में आज तक नहीं हुआ है। क्या हो गया भैया? यही कि लॉकडाउन लगा दिया, आदमी खेले बिना मर रहे हैं, एक दिन काम धंधा नहीं मिल रहा है, उनके 10 किलो 5 किलो देने से आदमी खुश नहीं है। अच्छा, क्या चाहिए आपको सरकार से बताइए, क्या कर दे सरकार आपके लिए? यही कि जो पहले जैसा था वैसा लगा, लॉकडाउन एक दिन के लिए नहीं लगाए और काम धंधा ताव से मिले, आदमी खाए जिए ताव से। अच्छा भैया, ये बताइए लॉकडाउन में घर कैसे चला आपका? घर यही चला जो है कि थोड़ा थोड़ा इनसे उनसे कर्जा लेकर जिए खाए, यही चलत। अच्छा, ये बताइए कि 2022 का चुनाव आ रहा है, क्या लगता है इस बार सरकार बीजेपी की बचेगी उत्तर प्रदेश में? हमें तो 1% नहीं उम्मीद है इनका। अच्छा, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? हम तो यही सोच रहे हैं कि अगला कोई प्रत्याशी हो जाए, लेकिन ये नहीं हुई, ये ना हो। हाँ। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों जो समीकरण है, जो लोगों की सोच है, वो कहीं ना कहीं अब भाजपा के विपरीत लोग जा रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है? विजय कुमार। विजय जी, आप बताइए कि 2022 का चुनाव आने जा रहा है, क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा?
हमें तो लगता है कि इस बार अखिलेश ही आए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हर एक काम केवल बड़ी बड़ी रोड बनवा देना या कहीं कहीं बड़ी बड़ी गौशाला करवा देना, बड़ी बड़ी फैक्ट्री डाल देने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी में ज़्यादातर करके 1000-1500 आदमी रहेंगे, लेकिन उससे क्या होता है कि जब 1000-1500 आदमी बड़ी कंपनी में फिक्स हो जाता है तो वहाँ गरीब नहीं पहुँच पाता। अच्छा। क्योंकि वर्कर का जो जगह होता है वो भी आजकल पैसे से ही खरीदा जा रहा है। अच्छा, मोदी जी के कार्यकाल से कितना खुश हैं आप? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, मोदी जी से भी नहीं खुश हैं? क्योंकि पहले तो लॉकडाउन लगाया इन्होंने, उसके सबसे प्रथम काम इन्होंने किया नोटबंदी करके, उसमें चुनाव आया, मौसम भी कुछ ख़राब था, गरीब उसमें संभले नहीं, नोट बदली हो गया, कुछ आदमी ऐसे ऐसे तैसे करके मरने लग गए, कुछ तो जब ये 5G का नेटवर्किंग किया इससे भी ज़्यादा असर पड़ा अपने हिंदुस्तान को। अच्छा, 5G के बारे में किसने बताया आपको? 5G ऐसे जैसे भाई नेटवर्किंग कर रहे हैं, पेपर में अलाउंस हो ही रहा है। अच्छा, अच्छा। तो पेपर कभी कभी पढ़ रहे हैं, गजट किया जाता है सामान, तो वो जनता के लिए है तो उसको पढ़ा जाता है। उसको पढ़ के लगा कि नहीं, 5G का नेटवर्क भी अपने हिंदुस्तान को कुछ खराब कर रहा है। अच्छा, ये बताइए, कोविड काल चला देश में जी, ये दूसरा साल है जी, सरकार क्या कर पाई कोविड काल में, लोगों की कितनी मदद कर पाई? मदद तो सरकार ने अपने तरफ से पूरा किया, लेकिन हमें नहीं लगा कि नहीं जिस तरह से मदद करना चाहिए वो मदद मिला नहीं मिला। दोस्तों, लोगों का फिलहाल मानना है कि कोविड काल में सरकार ने मदद तो की मगर पर्याप्त मदद नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं जो है इसका असर जो है 2022 के चुनाव में देखने को मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको आगे भी इस तरीके की चुनावी चर्चाएं दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।